नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूँ आपके साथ कोमल पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राजधानी भोपाल और शहडोल जाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और राज्य के प्रतिनिधि वर्चुअली शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की 3 दिवसीय बैठक जारी है। आज बैठक का दूसरा दिन है। आज इस बैठक में देश को सिविल एविएशन में MRO हब बनाने पर एक सेमिनार में चर्चा की जाएगी। देश में विमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वर्तमान में मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरे कामों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इस पैसे को बाहर जाने से कैसे रोका जाए, इस पर भी 10 से 12 विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर है। यहाँ अमित शाह उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राठकर समेत BJP के कई नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री BJP के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर आगामी चुनावों पर चर्चा करेंगे।